मझौलिया के रतनमाला पंचायत में दंगल कुश्ती का हुआ आयोजन। दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम, दर्शकों ने बढ़ाया उत्साह। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने और युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए मझौलिया प्रखंड अंतर्गत रतनमाला पंचायत के छौरैया में दो दिवसीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन पूर्व मुखिया बिली कुंवर, शिवनाथ यादव, समाज सेवी प्रमोद यादव, मुखिया निर्मला तिवारी, पैक्स अध्यक्ष प्रदीप सिंह के सौजन्य से किया गया, जिसका उद्घाटन चंपारण के प्रसिद्ध शिरोमणि चंचल महाराज चनपटिया विधायक उमा सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया, जिसमें यूपी, राजस्थान, इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, बिहार, झारखंड समेत नेपाल के दर्जनों महिला पुरुष पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पहलवानों ने एक दूसरे को पटखानी देकर इनाम जीते। दंगल में पहलवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए दर्शकों की काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी। अपने संबोधन में चंचल महाराज ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने का मुख्य कारण युवाओं में देश की भक्ति की भावना को मजबूत करना है। वहीं दंगल में हिस्सा लेने वाले सभी पहलवानों को आयोजन समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। ये पुरानी संस्था है, आज से नहीं सदियों से आंकड़ा आ रहा है। जरासंध और भीम का आंकड़ा हुआ था, महावीर जी इसके प्रतीक हैं। ये सदियों से आ रहा है और आंकड़ा में कोई हारता है कोई जीतता है। माई के गर्भवा से सबकर जन्मवा करमवा अलगे अलगे बा, वही स्कूलवा में वही शिक्षकवा वह रहे कागज कलम उहे पुस्तकवा, कोई जिलाधीश बने कोई द्वारपालवा करमवा अलगे अलगे, कोई न कोई लगातार कुश्ती के लिए प्रोग्राम होते रहा है। इन लोगों के साहस को धन्यवाद है, इस जिला जवार के नगर वासियों को, नौजवानों को भी धन्यवाद है जो यहाँ इकट्ठा होकर अपने परंपरा के संस्कृति को, सनातन धर्म को, अब ये मनुष्य जीवन के स्वस्थता को आगे बढ़ाने के लिए ये कुश्ती कराई जाती है। ये हमारे देश में देशवासी जो भारत के नौजवान हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वे कोशिश करें कि हर घर में एक दो पहलवान जरूर निकले और वे स्वस्थ बने।